इस प्रोजेक्ट का नाम है दी सिग्नेचर होटल्स इस्लामाबाद, जो कि लोकेटेड है मेन कश्मीर हाईवे पर, मेन श्रीनगर हाईवे पर इसका फ्रंट है और बैक साइड इसकी टॉप सिटी फेसिंग है जी। तो 0 किलोमीटर की मुसाफत पर आपको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलता है। रॉयल स्विस आ रहा है, जिसके बिल्कुल सामने डबल ट्री बाय हिल्टन आ रहा है, जिसके बिल्कुल सामने रेडिसन ब्लू इंटरनेशनल होटल चेन्स आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ताजिर इंटरनेशनल से मलिक फ़हीम अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सबसे प्राइम मोस्ट प्रीमियम मोस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर। इस प्रोजेक्ट का नाम है दी सिग्नेचर होटल्स इस्लामाबाद, जो कि RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल मंजूर शुदा कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जो कि लोकेटेड है मेन कश्मीर हाईवे पर, मेन श्रीनगर हाईवे पर इसका फ्रंट है और बैक साइड इसकी टॉप सिटी फेसिंग है जी। अगर हम इस टाइम पर M1 M2 मोटरवे की बात करें, तो जैसे आपको वो सामने जंक्शन नज़र आ रहा होगा, वो जंक्शन जो है सामने से M1 मोटरवे है, M2 मोटरवे, और आगे आपके जाके वो M1 मोटरवे से कनेक्टेड हो जाता है। मतलब इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से कनेक्टेड है जी। अगर आप राइट साइड पर आगे चले जाएं, तो 0 किलोमीटर की मुसाफत पर आपको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आ रही हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, उसकी जो लैंडिंग है जब वो एयरपोर्ट से होता है, तो उन्होंने इसी रोड से गुजर के जाना है। उनके पास कोई और सेकेंड ऑप्शन इस टाइम पर नहीं है। तो इस रोड पर टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं और ये प्रोजेक्ट टॉप सिटी की प्रॉपर्टी है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 13 कनाल का ये प्लॉट है, कॉर्नर का ये प्लॉट है, और इसके अंदर आपको ग्राउंड फ्लोर पे और ग्राउंड ए फ्लोर पे कमर्शियल आउटलेट्स मिलती हैं, ब्रांडेड शॉप्स आपको मिलती हैं, 3-4 फ्लोर्स आपको सर्विसेज के मिलते हैं, और उससे ऊपर 5 से 6 फ्लोर से लेकर 26 फ्लोर तक आपको होटल स्वीट्स मिलते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के। तो जो दोस्त भी 5-स्टार होटल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे एक ऐसे होटल के अंदर, जिसके बिल्कुल सामने रॉयल स्विस आ रहा है, जिसके बिल्कुल सामने डबल ट्री बाय हिल्टन आ रहा है, जिसके बिल्कुल सामने रेडिसन ब्लू इंटरनेशनल होटल चेन्स आ रही हैं, और इंशाल्लाह अज़ीज़ विद इन फ्यू डेज़ और फ्यू टाइम पीरियड हम ये सुनेंगे कि यहाँ पर जो एक ग्रुप आ रहा है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो इस टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी है आपके पास इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि रेडिसन ब्लू होटल्स जब 16,000, 20,000, 25,000 पर स्क्वायर फुट पे आपको होटल स्वीट्स दे रहा था, J7 ग्लोबल का ये प्रोजेक्ट है, J7 ग्रुप का वो भी प्रोजेक्ट है, रेडिसन ब्लू होटल्स सिग्नेचर होटल्स भी J7 ग्रुप का प्रोजेक्ट है, और सामने रॉयल स्विस भी J7 ग्रुप का प्रोजेक्ट है, लेकिन जब वहाँ पर कोई ब्रांड नहीं था तो वहाँ पर 20-25,000 पर स्क्वायर फुट रेट था या 30,000 पर स्क्वायर फुट रेट था, और आज वहाँ पर 45,000 से 50,000 पर स्क्वायर फुट रेट रेडिसन ब्लू होटल्स ने अपना रेट निकाला है वहाँ पर। तो जिन लोगों की पहले इन्वेस्टमेंट हुई हुई थी उनको 100% रिटर्न्स वहाँ पे मिल रहे हैं। डेट्स वाई आपके पास इस टाइम पे सिग्नेचर होटल्स एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आपको बड़े रिजनेबल प्राइसेस के अंदर 38,000 पर स्क्वायर फीट जो है इनका ब्राउशर रेट है, लेकिन इसके अंदर हम आपको डिस्काउंट्स दे सकते हैं और आपको कमर्शियल आउटलेट्स जो हैं RDUs क्लियर वो भी आपको मिल सकती हैं, और महाना रेंटल वैल्यू ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी आप हासिल कर सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और इस्लामाबाद में अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ऑफिस शॉप अपार्टमेंट्स होटल स्वीट्स में या 5-स्टार होटल बिल्डिंग्स के अंदर, तो बिला झिझक आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी बना सकते हैं और प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।